bottom. And so yeah, you never really see them climbing in the few minutes that we're here. They're always just seem to be resting, hanging out. It's a pretty slow process. दोस्तों चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। योसेमिटी ट्रिप पे जाने से पहले ही हम रात को कल के लिए लंच लेकर आ गए हैं, क्योंकि वहां लंच नहीं मिलता, अगर मिलेगा भी तो बहुत महंगा होगा। हेमंत हमारे योसेमिटी ट्रिप के लिए टिकट बुक कर रहा है, पर पर्सन हमें लगभग $209 लगे। तो फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर सैन फ्रांसिस्को के JW मैरियट से टूर की बस पकड़ ली। हमारी बस कैलिफोर्निया के सुंदर आलमंड के खेतों से गुजरते हुए जाती है। क्या आपको पता है कैलिफोर्निया वर्ल्ड के 80% से अधिक आलमंड उगाता है। ये जो बाजार से कैलिफोर्निया बादाम हम लेके आते हैं वह यहां से आते हैं। एज वी क्लाइम द कैलिफोर्निया 120 हाईवे द एयर गेट्स क्रिस्पर। आप जो बाहर देख रहे हैं वो ग्रोवलैंड कैलिफोर्निया वैली है। ग्रोवलैंड पहले सोने का नगर था, नाउ एक्ट्स एज द गेटवे टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर। हमारा पहला ठहराव टोलमन ग्रोव है, जहां समय ठहर सा जाता है। ये जो बड़े बड़े पेड़ आप देख रहे हो ये सीकोया के पेड़ है। ये पेड़ हजारों वर्षों से खड़े हैं, कभी कभी गर्मियों में यह जल जाते हैं। अभी हम एक घंटे की ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। ये पूरी ट्रक एक घंटे की ट्रक है। अभी कुछ एक मील हमें ट्रैकिंग करते हुए नीचे जाना होगा, जहाँ पर एक बहुत पुराना ओल्ड सिक्योर ट्री है। वहाँ पर वो ओल्ड सिक्योर ट्री देखने को मिलेगा। ये पूरा रोड काफी स्टीप डाउनहिल है। इस पेड़ को कैलिफोर्निया टनल ट्री कहते हैं। इसमें से गुजरना समय में एक यात्रा सा है। इसे 1800 में कार्व किया गया था। चलिए आपको मिलाते हैं हमारे टूर गाइड से। Hi guys. Well, yeah. Glad you guys survived the hike. Yeah. Just saw some big sequoia trees. Yeah. And yeah, now we're gonna head down to the Yosemite Valley. ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए योसेमिटी विलेज में। दुनिया भर से यहां लोग नेचर के नज़ारे
और सीनिक ब्यूटी देखने के लिए आते हैं। अभी हम एल कैप्टन के पास में, पहाड़ के पास में बैठ के लंच करने के बाद अब थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे योसेमिटी विलेज को। देखते हैं, चलते हैं। हमारे सामने एल कैपिटन का पैनोरामिक व्यू है, एक ग्रेनाइट का विशाल प्रतिमा, चढ़ाई की चुनौती और योसेमिटी विलेज की रक्षा करते हुए। Do they get the support of thread from the top? Nothing comes from the top. You bring every walk over and you walk over and hook it up. And you go with your rope and you climb about 100 feet at a time. Then you make a rest and get organized and climb another 100. So yeah, you never really see them climbing in the few minutes that we're here. They're always just seem to be resting, hanging out. It's a pretty slow process. It's kind of like watching a slug on the deck. कुछ लोग इसको एक महीना लगाकर क्लाइम करते हैं। वह अपना खाना पीना सब साथ लेके जाते हैं और ऊपर ही सोते हैं। There's so many groups up there, like more, way more than last week. Like there's like some little. अरे वो तो खल रहा है। The sides come together. Far, like way over there in the shade. That's a big. So that big group over there in the shade, they go every year. It takes them like 12 days. Wow. Like 6 months. They just go so slow. यहाँ पर एक ब्राइडल वेल नाम का वाटरफॉल है। ये नदी उस वाटरफॉल से ही आती है। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में मुझे काफी मेहनत लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।